वक्त एक और कंट्री इंडिया को थैंक यू बोल रहा है और वो कंट्री है मालदीव्स। हमें भी कुछ सीखना चाहिए, जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत। मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। The Maldivian foreign minister expresses gratitude to India for extending the import quota. मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं, मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सगार पॉलिसीज को फॉलो करेगा। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीजों के अंदर, जहाँ पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हो कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं। अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की स्थिति शुरू हो चुकी है। लेकिन जो मालदीव्स में जो भेजी गई है वो वीट है, राइस है, शुगर और एग्स, इस तरह की अनियंस। मतलब मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को कि ये क्या मालदीप में हुआ है। ये इसलिए ये सब चीजें भेजी गई हैं कि इससे अंदाजा हो रहा है कि वहां पर खुराक की कमी हो रही है, वहां पर फूड की जो है वो आइटम्स कम थे। समझ से बालातर बात है, जो कंट्री आपको इस तरह की जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में एड ली जाती है अमेरिका से, तो ये जो कुछ मतलब कंट्रीज को ये वाला जो है ना अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। देखिए मालदीव्स को जब ये पता है कि भाई हमारा गुजारा इंडिया के बगैर नहीं है, वो आपको पता है कि बीच में चाइना का भी जो लुच तला जा रहा है वो सब आप जानते हैं ना वो क्या सिलसिला है। तो चाइना अपनी वहां पर जगह बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है और वो ये चाहता है कि वहां से जो है वो इंडिया निकल जाए, तो इस वजह से ये इसमें बहुत सारी चीजें ये भी थी बीच में। अब उस वक्त तो मालदीव्स ने कह दिया था कि हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, हम तो जो है वो ठीक है, आपने बहुत ज्यादा चीजें कह दी और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़े, तो अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता, आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, चाइना भी तो एक बड़ा कंट्री है, बड़ी ताकत है, आपको भेज देता। लेकिन आप यही देखिए कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जो बात की जाती है वहां पर ऐसी कोई बात आती है तो फिर किसकी तरफ, इंडिया की तरफ ही देखा जाता है, इंडिया ने भेजा है। अच्छा इसके ऊपर जो है मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने थैंक यू किया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है आई सिंसियरली थैंक पीएम डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द, उन्होंने जो रिन्यू की है द कोटा टू एनेबल मालदीव्स टू इंपोर्ट एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2024-2025। मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सगार पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए इंडिया हैज़ सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री बिग इकॉनमी, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ने आपने इर्द गिर्द जारी बात है एक वो एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए, हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के उसके लिए मालदीव्स के लिए, इसेंशियल कमोडिटीज अंडे आलू पोटैटोज अनियंस राइस आटा शुगर दाल, मतलब ये चीज़ें, ठीक है जी। आप 2024-25 तक वो चीजें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मोहल्ले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गरमा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब जो एक होता है बेसिकली। इंडियंस वॉन्टेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ, आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही हैं ना।
दिस इज वॉट दे आर सेइंग. जैसे मैंने कहा कि ये तो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, और अब क्योंकि ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो गए, लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि देर इज़ ए हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड इन मालदीव्स एंड इन इंडिया. सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप गए, आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए. ये लक्षद्वीप में यही था, गए चार तस्वीरें खिंचवाई, ये हुआ, मालदीव वाले डरना शुरू हो गए. मालदीव वाले डरना इसलिए शुरू हो गए, द रीज़न बिहाइंड वॉज कि उनको पता था कि इसके लॉजिक क्या, ठीक है जी. एंड देन इट वॉज अ मड स्लिंगिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, मानना पड़ेगा. पहले मालदीव ने वो शुरू की, देन इंडिया ने फिर, जो जारी बात है उनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते रहे, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बिलो द बेल्ट लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तो जारी बात है इंडियंस ने भी उस तरह नहीं बोलना था. लेकिन इंडियंस को ये चीज़ तो बड़ी चुभती थी ना कि मालदीव जो है वो चाइना के क्यों पास चला गया. मतलब सो एवरी प्रेजिडेंट इन माले हु इज़ कमिंग ही विल विजिट दिल्ली फर्स्ट, बट मोइजू साहब कहाँ जा रहे हैं, इस्तंबुल, अनकरा, ठीक है जी, उसके बाद वो चाइना चले गए. तो अब वो, अब उसकी क्या है, मालदीव में भी ए वेरी स्मॉल कंट्री बट इट्स रेलिवेंस हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड्स बिकॉज ऑफ इंडिया, बिकॉज इट्स जस्ट इंडिया के कदमों के वो जहां पे इंडिया खत्म होता है वहां पर सारी बात आई है. सो द पॉइंट हेयर इज कि मालदीव इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया, मे बी इन दैट कॉन्टेक्स्ट नॉट फॉर पाकिस्तान. उसकी वजह यह है कि मालदीव की के ऊपर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो मालदीव के लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो चीन के लिए कर रहे हैं, सॉरी इंडिया के लिए कर रहे हैं. सो ये मालदीव की जो वो पोजीशन है, अब ये कहा जा रहा है कि जो लक्षद्वीप है ये, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन चाहते थे, और फिर हालात खराब हो गए सोशल मीडिया पे, ये वो, और फिर इंडियन मीडिया ने उठा लिया. बेसिकली टेक्निकली तो इंडियन मीडिया ने मालदीव को हीरो बना दिया, लेकिन वो जानबूझ के हीरो नहीं बनाते, उसके पीछे भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. वो मालदीव को खड़ा करके एज ए पंचिंग बैग प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल कद खड़ा कर रहे थे बहुत बड़ा. इंडिया जो है वो अपनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी, उनकी वो एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी चलाते हैं. दूसरी तरफ आपने सही बात की, मालदीव जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है कि टूरिज्म आएगी तो भाई चलेगा. क्या लगता है कि ये जीत इंडिया की जीत होगी या इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत होगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं. जाहिर सी बात है जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है, और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है, और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है. पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं उन पर. क्या, आप क्या कहेंगे? इंडिया की डिप्लोमेसी जबरदस्त यार, वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है. देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं. बायकॉट बायकॉट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है ट्विटर के अंदर, आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए. उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन खराब ना करें इंडिया.